हिंदू जागरण मंच सोयावा समाज का जागरण करता है। हिंदू जागरण मंच ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करना चाहता है। आज पटना में हिंदू जागरण मंच के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार भी मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच के संगठनात्मक विस्तार के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था, जहां सुमन कुमार ने कहा कि भारत में 4 तरह के जिहाद बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, जिससे रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही संगठन विस्तार से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए। आज से वो हिंदू जागरण मंच का प्रदेश का संयोजक के नाते काम देखेंगे। मुझे ऐसा व्यक्तित्व का तलाश था, मुझे कायर कमजोर हिजड़ा नहीं चाहिए, मुझे दमदार असरदार जीदार हिंदू चाहिए। हिंदू कैसा कायर नहीं डरपोक नहीं, हिंदू कैसा दमदार असरदार जीदार और समझदार हिंदू चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुआ उन्होंने हमारे उपस्थिति में जो विचार रखे, बड़े बड़े ट्रेनिंग लेने के बाद में भी लोग लड़खड़ाते हैं अपना इंडिविजुअल टीआरपी के चक्कर में गोल गोल बतियाते हैं। ये निर्भीकता के साथ उस विचार को रखा है, इसलिए मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने प्रदेश का संयोजक के नाते अधिकृत रूप से ईश्वर का कृपा लेकर के मैंने इनका घोषणा किया है। अब ये निर्णय केवल मेरा निर्णय नहीं है, ये ईश्वरी निर्णय है, ये संगठनात्मक निर्णय है। हिंदू जागरण मंच हिंदू समाज का संगठन करता है। हिंदू जागरण मंच सोयावा समाज का जागरण करता है। हिंदू जागरण मंच ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करना चाहता है।